तेलंगाना के नालगोंडा पुलिस ने नगर पालिका के चेयरपर्सन बी लक्ष्मी के पति श्रीनिवास के हत्या मामले में 7 आरोपियों का पता लगाया है। इनमें से 4 आरोपियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जबकि 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद आत्मसमर्पण करने वालों में कतुल्ला चक्की, दुर्गया मातंगी, मोहन वो गोपी शामिल हैं। रामबाबू मल्लेश वो शरद अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इन तीनों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिलाधीश श्रीनिवास राव और संयुक्त जिलाधीश नारायण रेड्डी ने मृतक श्रीनिवास की पत्नी श्रीलक्ष्मी ने घर जाकर सांत्वना दी है, साथ ही हर संभव उनके साथ न्याय करने का भी आश्वासन दिया है। इस अवसर पर श्रीलक्ष्मी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुलिस के रवैये के कारण ही उसके पति की हत्या हो गई है। उन्होंने बताया कि श्रीनिवास के जान को खतरा होने के बारे में सरकार को बताया गया था, मगर पुलिस ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकाम रही। इतना ही नहीं, आत्मसुरक्षा करने के लिए बंदूक लाइसेंस मांगने पर भी उन्हें नहीं दिया गया। पुलिस के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण ही उसके पति की हत्या की गई है। श्रीलक्ष्मी ने बताया है कि रात को फोन आने पर श्रीनिवास घर से बाहर गए थे और थोड़ी देर बाद उनकी हत्या की खबर मिली।